ब्रॉट यू बाय एजलेस डायग्नोस्टिक्स। कमलनाथ तो लंबे समय से उनकी पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, संजय गांधी के दोस्त रहे हैं, इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहती थी, और बड़े लंबे वक्त के बाद पहले काफ़ी दिन तक उन्होंने सेंटर की पॉलिटिक्स की, और फिर जब राज्य में गए तो मुख्यमंत्री बने और सिर्फ 15 महीने रह पाए। तो उस समय की कुछ कहानी किस्से अगर आपके पास हो तो प्लीज वो भी सुनाइए। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। दो कहानियां हैं। एक गुजरात में 2002 में चुनाव के पहले वो वहां जनरल सेक्रेटरी थे, तो एक अगले दिन चुनाव नतीजे आने थे और हमने एक सर्वे किया था जिसमें दिख रहा था कि बीजेपी और मोदी जी जीत रहे थे। तो कमलनाथ जी मुझे फोन करते और कहते ये सर्वे कहां से आपने किया है, दिस इज अ बॉट सर्वे, ये आप लोग ने कहीं से बिक कर ये सर्वे किया है। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, मुझे भी लगता है कि मोदी जी और बीजेपी जीत रहे हैं। तो उसने कहा मैं आपको चैलेंज देता हूं, बेट लेते हैं। तो मैंने कहा बेट में क्या सर, मैं बेट वैसे करता नहीं हूं। नहीं, जो जीतेगा वो दूसरे को डिनर देगा। तो मैंने कहा सर ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी तरह 5 स्टार में नहीं जा पाऊंगा। उसने कहा वो सब ठीक है, आप बेट ले लीजिए। तो बेट ले ली और अगले दिन चुनाव नतीजे में मोदी जी और बीजेपी को 2/3 बहुमत मिली। तो एक महीने बाद मैंने कमलनाथ जी को फोन किया, मैंने कहा सर आप तो मुझे डिनर पे ले जाने वाले थे। उन्होंने हाँ 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 हाँ, और फिर उन्होंने घर पे लंच पे बुलाया, बड़ा अच्छा लंच करवाया, और फिर उन्होंने माना कि हाँ आप बेट ये जीत गए हैं। लेकिन मैंने कहा सर आप तो मुझे 5 स्टार होटल लेकर जाने वाले थे। इसे नहीं नहीं, मेरे घर का जो खाना है वो 5 स्टार से भी बेहतर है। और वाकई उनके पास बड़े अच्छे रसोईया हुआ करते थे। तो ये कमलनाथ की, और कमलनाथ के साथ एक दूसरी कहानी बहुत मजेदार है। 1996 में कमलनाथ जी का टिकट कटता है क्योंकि उनका नाम हवाला कांड में आ जाता है, और हम उस जमाने में दूरदर्शन पर लाइव कवरेज करते थे NDTV के लिए जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, और 1-2 दिन नहीं वो 3 दिन तक चलता था। तो तीसरे दिन, क्योंकि तब हैंड काउंटिंग थी, कोई EVM नहीं थी, तो तीसरे दिन लाइव कवरेज चल रहा है दूरदर्शन पर, मैं कांग्रेस ऑफिस पर था और साफ था कि कांग्रेस वापस नहीं आ रही है, नरसिम्हा राव वापस नहीं आ रही। तो कमलनाथ वहां कांग्रेस ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब उनको हवाला कांड में पार्टी से निकाला गया है, उनको सस्पेंड किया गया है, वो वहां पहुंचते हैं तो कुछ लोगों ने एतराज जताया कि कमलनाथ जी यहां कैसे आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं, अपने समर्थकों के साथ आ गए और मुझे कहा प्लीज टेक मी लाइव, मुझे लाइव ले लो। मैंने कहा सर क्यों, नहीं नहीं मैं बोलना चाहता हूं। और उन्होंने लाइव कवरेज में अपनी अंदर की भड़ास निकाल दी, नरसिम्हा राव को बहुत उन्होंने की आलोचना की। अब सोचिए उस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और ये दूरदर्शन पर चल रहा है, मुझे किसी प्रोड्यूसर का फोन आ रहा है अरे काटो काटो मत करो। पर कमलनाथ जी अपने बिल्कुल एक तरह से मूड में थे और उन्होंने तीखी आलोचना की प्रधानमंत्री की, और फिर मुझे कहा स्माइल देके कि देखो अब मैं वापस कांग्रेस में आऊंगा और कहां नरसिम्हा राव कहां रहेंगे। तो कमलनाथ जी पुराने खिलाड़ी एक तरह से हैं, दिग्विजय सिंह जी भी हैं, तो उनकी राजनीति कई सालों पुरानी है, और ये कुछ किस्से हैं इन राजनेताओं की।